हेलो फ्रेंड, जे एस होम डी एन सिविल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 40 हुआ 30 का पूरा मुख्य घर का नक्शा और वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इधर यहाँ से एंट्री होती है, इधर आपका मेन डोर लगेगा, ठीक है। इधर आपका ड्राइंग एरिया, ठीक है। इसका साइज है 13 फीट यहाँ से यहाँ तक की, 10 फीट यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर आपका एक छोटा सा पूजा रूम, इसका साइज है 4 फीट बाय 6 फीट का, इस तरफ 3 फीट 6 इंच का ओपन एरिया है। इस तरफ एक वेंटिलेशन है, तो इस तरफ एक विंडो है, ठीक है। इधर आपका हॉल, इधर स्टेयर, इसका साइज है 10 फीट यहाँ से यहाँ तक की। इस तरफ एक विंडो है, 17 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और 19 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की इधर, ठीक है। तो इधर आपका टॉयलेट एंड बाथ, इस तरफ एक वेंटिलेशन, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 4 फीट बाय 8 फीट का, ठीक है। इधर आपका बेडरूम, इसका डोर यहाँ से 1 विंडो है, इसका साइज है इस तरफ 12 फीट यहाँ से यहाँ तक की, इस तरफ 11 फीट इधर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर टॉयलेट एंड बाथ, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 7 फीट 6 इंच इधर यहाँ से यहाँ तक की, और 4 फीट 8 इंच इधर यहाँ से यहाँ तक की, ओके। इस तरफ एक वेंटिलेशन है। इधर आपका दूसरा बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, बेडरूम, इस तरफ विंडो है, इस तरफ विंडो है, ठीक है। इसका साइज है सेम की गई है 11 फीट बाय 12 फीट का, ठीक है। इस तरफ आपका तीसरा बेडरूम, इसका डोर यहाँ से 11 फीट और इस तरफ 10 फीट, ठीक है। इस तरफ एक विंडो है। इधर आपका किचन, इसका डोर यहाँ से 1 किचन प्लस डाइनिंग, ओके। इसका साइज है 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक की, इस तरफ 13 फीट 8 इंच, ठीक है। इस तरफ एक विंडो है, इस तरफ एक विंडो है। तो दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।